फिर हम आपके घर आए थे थैंक यू कहने। हाँ, फिर हम रिक्शा में बैठ के हमारे घर पहुंचे और फिर थैंक यू आप लोग मुझे अपने साथ पार्टी में लेकर गए, बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। अरे बावरी जी, गोकुलधाम सोसाइटी में हर एक त्योहार ऐसे उत्साह के साथ ही मनाते हैं। मैं तो कहता हूँ बावरी बेटा, हमारी गोकुलधाम जैसी सोसाइटी दुनिया में कहीं पर भी नहीं होगी। बापरे ए भाई, रिक्शा क्यों रोक दिया आपने? सॉरी साहब, लगता है रिक्शे का गैस खत्म हो गया है, आप लोग को यहीं उतरना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। ये लीजिए आपके 40 रुपए। अब बेटा आइए बाबू जी, संभाल के जाइए भाई, गैस भरवा लेना। हाँ अच्छा बागा बेटा, हाँ? हमारा घर तो पास में ही है, मैं चला जाऊंगा। तू एक काम कर, बावरी बेटी को सही सलामत उसके घर तक पहुंचा के। हाँ हाँ नट्टू काका, मुझे पता है स्त्री की रक्षा करना हर पुरुष का फर्ज है। क्या बात है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई उठाई बॉय। थैंक यू। अच्छा बावरी बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। आइए बावरी जी। बागेश्वर जी, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? बावरी जी, मैंने अभी तक शादी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। तो सोचिए ना। मेरा मतलब है, अगर आप अब नहीं सोचेंगे तो शादी कब करेंगे? हाँ। वैसे आपको लव मैरिज पसंद है या अरेंज मैरिज? वो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? वैसे मुझे तो लव मैरिज पसंद है। अच्छा, मुझे तो एक ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत सीधा साधा हो और जिसका नाम बहुत से शुरू हो और जो हर काम में माहिर हो। बस वहीं रुक जाइए, आपका घर आ गया। अब आपको अकेले जाना पड़ेगा, मैं आपको आपके घर तक छोड़ने आऊं? क्या बावरी जी, आप मुझे छोड़ने आएंगी, फिर मैं आपको छोड़ने आऊंगा, फिर वापस आप मुझे छोड़ने आएंगी, ऐसे तो हम दोनों पूरी रात चलते ही रहेंगे। आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। जैसा आप कहें। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हुआ? बागेश्वर जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? दिल की बात। बागेश्वर जी, जब से आपसे मुलाकात हुई है, आपको ना देखूं तो मुझे रात को नींद ही नहीं आती है। और आती भी है तो उसमें सिर्फ आप ही दिखाई देते हो। जब मैंने अपने दिल से पूछा ये सब क्या है, तो उसने कहा कि ये प्यार है। प्यार? हाँ, मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। I love you बागेश्वर जी। 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 ये आप क्या कह रही हैं बावरी जी? हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ, जैसे हीर को रांझा से, रोमियो को जूलियट से, लैला को मजनू से हुआ था, वैसे ही बावरी को बागेश्वर जी से प्यार हो गया है। लेकिन बावरी जी। बावरी जी नहीं, सिर्फ बावरी कहिए। बापरे। बावरी जी, मैं वो। बागेश्वर जी, मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी, 36 घंटे हैं आपके पास।
अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी, शहर छोड़कर चली जाऊंगी, शहर छोड़कर चली जाऊंगी, शहर छोड़कर चली जाऊंगी, शहर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं ठीक 36 घंटे बाद लवली गार्डन में आपका इंतजार करूंगी। आना जरूर। हाँ सेठानी जी, एकदम सटक से कह दिया, तब से मैं एकदम बाहुरा बन गया हूँ। मेरा दिमाग बंद हो गया है, समझ में नहीं आता क्या करूं, क्या जवाब दूं उसे। अच्छा, अब समझी, इसलिए आप इतना परेशान हैं और इसी वजह से ये सब गड़बड़ हो गई ना। हाँ सेठानी जी, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक तो ना ही मेरा कोई भाई है, ना ही कोई दोस्त, नटू काका भी इस वक्त यहाँ नहीं है। सेठ जी को कहूंगा तो वो मुझ पे गुस्सा करेंगे। आखिर मैं किससे कहूं। इसीलिए मेरा दिमाग कल रात से बंद हो गया है सेठानी जी। बाघा भाई, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। देखिए, मेरी माँ हमेशा कहती है, जब दिमाग काम करना बंद कर देता है ना, तो अपने दिल को जगाना चाहिए। मतलब हमारे दिल को पूछना चाहिए। ए दिल भाई, अब मैं क्या करूँ? और तब दिल भाई जो बताता है ना, वही करना चाहिए। सेठानी जी, थोड़ी सरल भाषा में बताइए ना। हाँ, देखिए बगा भाई, आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल क्या कहता है वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे हर जगह बावरी जी दिखाई देती है। घर में, दुकान में, काम में, सब जगह बावरी जी दिखाई देती है। यहाँ तक कि आईने के सामने खड़ा होके मैं अपने बाल बनाता हूँ तो मुझे अपने आप में भी बावरी जी दिखाई देती है। अभी भी आपने जब मुझे आंखें बंद करके चांद को देखने को कहा तो मुझे चांद में भी बावरी जी दिखाई दी। इसीलिए मेरी आंखें खुल गई। पता नहीं मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। बागा भाई, आपको हर जगह, हर पल, हर कण में बावरी बहन दिखाई देते हैं ना? हाँ। बागा भाई, हमारे अहमदाबाद की पोल में कहते हैं, ऐसा तभी होता है जब प्यार होता है। प्यार? बागा भाई, आपको प्यार हो गया है, जल्दी से जाइए और अपने प्यार का इजहार कीजिए। अरे लेकिन वो मैं कैसे करूं? ऐसी बात मैंने आज तक कभी किसी से नहीं की। अरे नहीं किए तो कोई बात नहीं, हम लोग सिखा देंगे। ये सोसाइटी में मेरे अलावा आपकी और 5 बहने हैं। मैं अभी उनको बुलाती हूँ। अरे लेकिन बाघा भाई, अब आप सब मुझ पर छोड़ दो। हा? आप यही रुकना, आती हूँ आती हूँ। कोमल भाभी, भिड़े बहन, रोशन भाभी, बबीता जी, अंजलि भाभी, जल्दी आइए ना। तो आप जेंट्स लोग यही रुकिए, सिर्फ लेडीज लोगों का ही काम है। अच्छा, अरे क्या हो, क्या रहा है, बता तो सही। मालूम पड़े सिर्फ मैं बताती हूँ, बाद में बताती हूँ। लेकिन ये हो क्या रहा है, पहले दया भाभी गए, अभी सारी लेडी लोग जा रहे हैं। अरे भाई, बहू ने कहा ना आके बताएगी, अभी शांति रखो। अरे सूट में हूँ। आगे तो सही बाबा, बताती हूँ। दया भाभी फाइनली नजर उतरी की? हाँ, नजर उतर गई। बगा भाई, मैं बता दूँ ना? क्या? वो दरअसल बागा भाई को। क्या हुआ बागा भाई को, बताइए ना जल्दी से। किसी से प्यार हो गया है। ओगो भाई, बागो भाई।
बाघा भाई को प्यार हो गया है। ग्रेट न्यूज। हम लोग समझ रहे थे कि बाघा भाई को किसी की नजर लगी है, लेकिन उनकी नजर किसी से लड़ गई है। यहाँ तो नजरों का अलग ही खेल चल रहा था और हम लोग अलग ही समझ रहे थे। एक्चुअली हाँ, वाह वाह, पर नसीब वाली छोकरी छे कौन? हाँ, बावरी बेन। बावरी? अरे बावरी? वाह वाह, ओए होए, क्या बात है बागा भाई। वो क्या हुआ कि आई लव यू बागेश्वर जी, 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 आई लव यू बागेश्वर जी। क्या बात है, वाह वाह, कांग्रेस सुवाच्य बागा भाई, लड़की होके बावरी ने सामने से प्रपोज किया, लकी हाँ। वही तो। थैंक यू बागा भाई, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। पता है, प्यार तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है, और आप इस बात से परेशान हैं? प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम ये है कि बाघा भाई को समझ में नहीं आ रहा है कि प्यार का इजहार कैसे करें। हाँ? बावरी बहन ने अचानक प्यार का प्रस्ताव रख दिया ना, तो बेचारे बाघा भाई का दिमाग एकदम सुन्न हो गया है। अब क्या करे, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। कमॉन, हम है ना, हम सिखा देंगे। अरे बागा भाई की लव स्टोरी आगे बढ़ेगी तो हमें अच्छा लगेगा। टॉप अच्छे। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज प्रेजेंटेशन। आप जब बावरी से मिलने जाओ तो ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाना, हाँ एकदम स्टाइलिश हीरो जैसे कपड़े पहन के जाना। अच्छा। और बागा भाई, दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आप जब मिलने जाओ तब एक प्यारी से गिफ्ट लेके जाना। वो क्या है ना, लड़कियों को गिफ्ट बहुत पसंद होती है। हाँ। और थर्ड है स्टाइल। स्टाइल से उसका हाथ पकड़ना, घुटनों पे बैठकर उसे कहना, लंबी सांस लेकर कहना, बावरी जी मैं आपके प्यार में बावरा हो गया, क्या आप जीवन के सफर में मेरी हम सफर बनकर चलोगी? उसके साथ एक लव सॉन्ग गा लो, बस तुम्हारा काम हो गया। बस एब्सोल्युटली। समझ गए, अंडरस्टूड। थोड़ा मुश्किल है लेकिन बावरी जी के लिए कर लूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब चलें, जाके वहां कह देते हैं कि मैं एकदम ठीक हूँ, सबने मेरे लिए काफी परेशानी झेली है। चलो 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 चलो। अरे दया, अब तो बता माजरा क्या है। हाँ हाँ दया भाभी, जल्दी। बाघा भाई को बीमारी लग गई है। बीमारी लग गई है? अरे अभी तो मैंने उनको चेक किया, ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है जो मेरी पकड़ में नहीं आई? वो क्या है, बाघा भाई को दिल की बीमारी लग गई है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने उनके पल्स चेक किए थे। आपने उनका पल्स चेक किया होगा? क्या भिड़े मास्टर, ये भी कोई मजाक का टाइम है, यहाँ किसी की जान खतरे में है। अरे नहीं 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 हाथी भाई, ये बात नहीं है। वो क्या है, बाघा भाई का दिल गायब हो गया है। दिल गायब हो गया? कोई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को। नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। अच्छा दया भाभी, आप प्लीज जल्दी से पॉइंट पे आइए और बताइए ना। हाँ हाँ, बहुत सस्पेंस। हाँ प्लीज, बागा भाई को लवेनिया
मलेरिया? मलेरिया में दिल कहाँ गायब होता है? अरे नहीं नहीं हाथी भाई, मलेरिया नहीं, लवेरिया। बाघ भाई को किसी से प्यार हो गया है। दिल का मामला है। ओए पापा जी। अच्छा अच्छा, बाघा को प्यार हो गया? प्यार हो गया? कौन है वो? किससे? बावरी बहन से। बावरी से प्यार हो गया? गलती से मिस्टेक हो गई इससे? और वो भी बावरी बहन ने सामने से प्यार का इजहार किया है। ये बावरी भी नौरी है। और इसीलिए बाघा भाई का दिमाग बंद हो गया है। हाँ ये तो होना ही था। मसाला सिंपू। आई यार आप प्यार चीज ही ऐसी है। और मैं तो रोशन के घर के सामने पूरे सात दिन बिना खाए पिए खड़ा रहा था। और तब जाके रोशन मानी थी। क्यों सुनिए मैंने सच किया ना? अरे रोशन तद्दन झूठुआ, सिर्फ खाए बगैर खड़ा था। याद है बिल्डिंग के नीचे कितना दंगा किया था? अरे बबी दादा, मेरे प्यार में भूख हड़ताल पर बैठ गई थी, तब जाकर मैंने हाँ बोला। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, तारक ने क्या किया था पता है? 101 कविताएं लिखी थी मेरे लिए। रोज एक कविता सुनाते थे और भेंट करते थे। अंजलि एक कविता 101 दिन रोज भेजी, लेकिन हर कविता के साथ एक गुलाब भेजा, वो याद नहीं? 101 कविताओं के साथ जेठालाल एक गुलाब रोज, 101 दिन बाद ही फिर ये गुलाब भूल गई। पर गुलाब का क्या, गुलकन गुलकन बनाया कि नहीं? अरे वो गुलाब तो करेले में तब्दील हो गया भाई। पता नहीं मुझे ऐसा प्यार कब होगा। वैसे माधवी और मेरी तो अरेंज मैरिज थी, लेकिन वो अरेंज मैरिज शादी के बाद कब लव मैरिज में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। बोला माधवी? हाँ, शादी के बाद शुरू शुरू के दिनों में ये रोज खुद बालों में गजरा लगाते थे। माधवी भाभी। हाँ। तब इतने लंबे बाल थे? या नहीं नहीं, ये अपने हाथों से खुद मेरे बालों में गजरा लगाते थे ऐसा। हाँ। मैं समझा। और टप्पू के पापा तो? चलो भाई मैं चलता हूँ। भाई भागा, तू ठीक है ना? हाँ हाँ बापूजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मुझे आप सबसे माफी मांगनी है, मेरी वजह से आप सबको इतनी परेशानी हुई। काय भागा भाई। और थैंक्स भी कहना है कि आप सबने मेरे लिए इतना सब कुछ किया। क्या भागा भाई आप भी। अरे भागा, हमें कैसी परेशानी, और थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे परिवार के सदस्य की तरह हो। हाँ बिल्कुल थैंक यू सेठ जी। सॉरी, मेरी वजह से आपको 50,000 रुपए और एक प्रेशर कुकर का नुकसान हो गया। हाँ भाई, प्यार तूने किया और सजा मैंने भुगती। अरे तेरा प्यार मुझे 50,000 में पड़ा। सॉरी, तो अब मैं चलता हूँ। सेठानी जी, कल बावरी जी के सामने अपने प्यार का इजहार कर दूँ ना? हाँ हाँ भाई, वरना मेरे 50,000 की कुर्बानी फोकट जाएगी भाई। हाँ बागा भाई, सुबह शीघ्रम, जल्दी बोल दीजिए। चलो भाई बागा, ऑल द बेस्ट कल के लिए। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट बागा, ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट। और बागा लेट मत करना, लेट बिल्कुल मत करना। थैंक यू। हाँ नहीं तो तुझा पोपट वाइज़ा। हाँ हाँ, क्या बोला भिड़ा? थैंक यू। अच्छा भिड़े भाई, अच्छा बाबू भाभी, अच्छा बापू जी, चलता हूँ। सेठ जी चलता हूँ, सेठानी जी चलता हूँ। भाई बागा, देखिए प्यार वार सब ठीक है, लेकिन दुकान में बहुत सारा काम बाकी पड़ा है और नटू काका भी नहीं है, तो कल जरा
दुकान जल्दी पहुंच जाना भाई। हाँ हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कल दुकान जल्दी आ जाऊंगा। अच्छा चलता हूँ। चल तू आ रही है क्या? अच्छा दोस्तों, आखिरकार इस रहस्य से पर्दा उठ ही गया कि ये मामला दिल का है। भाई बावरी को बाघा से प्यार था, प्यार है और प्यार रहेगा, ये तो पता चल गया, लेकिन बाघा को भी बावरी से प्यार है, इस रहस्य से पर्दा उठ ही गया। भाई प्यार तो है लेकिन अब प्यार का इजहार करना बाकी है। कहते हैं ना कि इश्क करना तो बड़ा आसान है लेकिन इजहार इश्क बड़ा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में या दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसे कई जोड़े होंगे जो 50-50 साल से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं लेकिन शायद आज तक एक दूसरे को कह नहीं पाए कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारी बात सुन के अगर आप कहना चाहें तो जरूर कह दीजिए, प्यार का इजहार करने में कभी देरी मत कीजिए, लेकिन इस वक्त यहाँ मुश्किल ये है कि बाघा अपने मोहब्बत का इजहार किस तरह से करेंगे। हालांकि गोकुलधाम की महिलाओं ने सिखा दिया है बाघा को कि किस तरह से कही जाए दिल की बात, लेकिन अब बाघा क्या करेंगे, कैसे कहेंगे अपनी दिल की बात? भाई आग का दरिया है और डूब कर जाना है, लेकिन मैं जानता हूँ बाघा जो भी करेंगे, चाहे पार उतर जाए या न उतरे, आपको हंसाएंगे जरूर। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.